तो यहाँ पर अपन बीटा एंड गामा फंक्शन के ऊपर ये प्रॉब्लम करता है। सो अपन को दे रखा है कि ये इंटीग्रल 0 to ∞ किसका, एक्स रेज टू पावर सी डिवाइडेड बाय सी रेज टू पावर एक्स का, इस चीज के इक्वल होता है गामा ऑफ सी प्लस वन डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ सी रेज टू पावर सी प्लस वन। सो ये अपन को प्रूव करना है, तो फिर करते हैं इसको। तो अपन को जो इंटीग्रल दे रखा है उसको मैं आई से डिनोट करता हूँ, और वो दे रखा है अपन को 0 to ∞ किस चीज का इंटीग्रल, एक्स रेज टू पावर सी डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर एक्स डीएक्स। अब यहाँ पे क्या करता है, जो ये सॉरी यहाँ पर सी रेज टू पावर एक्स है ये, तो यहाँ पे जो सी रेज टू पावर एक्स है ना, इसको मैं ई रेज टू पावर टी लिख देता हूँ। तो अब यहाँ पे दोनों तरफ लोग ले लेता हूँ, सो दोनों तरफ लोग लूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा, और यहां से मैं एक्स को निकालता हूँ जो हो जाएगा मेरे पास टी डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ सी, और डीएक्स यहाँ पे हो जाएगा डी टी डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ सी। तो यहाँ पर अपन को इसको गामा फंक्शन में कन्वर्ट करना है, इसलिए ये सब्स्टिट्यूशन कर रहा है। अभी देखना है कैसे गामा फंक्शन में कन्वर्ट होगा। तो जब यहाँ पर लिमिट देख लेता है क्या होगी इसकी, जब यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 होगी सो ऑब्वियसली यहाँ पर टी की वैल्यू भी 0 होगी, और जब एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो टी की वैल्यू भी इनफाइनाइट होगी। तो यहाँ पर अपन की लिमिट तो वही रहेगी 0 to ∞, और एक्स की जगह अब टी बाय लॉग ऑफ सी आ जाएगा, और डीएक्स की जगह यहाँ पर डी टी डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ सी आ जाएगा, और सी रेज टू पावर एक्स की जगह ई रेज टू पावर टी आ जाएगा। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता है, सो ये हो जाएगा अपने पास 0 to ∞ ई रेज टू पावर माइनस टी टी रेज टू पावर सी डी टी, और ये जो लॉग ऑफ सी वाली चीज है उसको तो बाहर निकाल लेता है, तो ये लॉग ऑफ सी रेज टू पावर सी प्लस वन ये बाहर आ जाएगा। अब इस चीज को अगर तुम ध्यान से देखो तो इस चीज को मैं बीटा वो गामा फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इस तरीके से लिख सकता हूँ, टी रेज टू पावर सी प्लस वन माइनस वन डी टी, और ये 1 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ सी रेज टू पावर सी प्लस वन। और तुम्हें पता ही है कि ये किस चीज की वैल्यू हो जाएगी, तो बेसिकली ये गामा ऑफ सी प्लस वन हो जाएगा एन डिवाइड में यहाँ पे लॉग ऑफ सी रेज टू पावर सी प्लस वन, और ये ही अपन को प्रूव करना था। सो इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। बेसिकली जो गामा ऑफ एन होता है वो तुम्हें पता होगा 0 to ∞ ई रेज टू पावर माइनस टी टी रेज टू पावर एन माइनस वन डी टी, इस तरीके से यहाँ पे लिख सकता है। सो बेसिकली अपने पास इसी टाइप की फॉर्म बन रही थी, इसलिए मैंने उसको गामा ऑफ सी प्लस वन लिख दिया।